Hello students, today we will read about how does our heart work. ठीक, तो उससे पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं. ये दो बोतल हैं, ठीक है. इन दोनों बोतल में क्या है? ब्लड है. ब्लड तो एक है, लेकिन क्या है, ब्लड की जो कलर है वो दो है. एक बोतल भी तो क्या है, जो ब्लड का जो कलर है, ठीक है, वो ब्राइट है, ब्राइट रेड. और दूसरी जो बोतल है उसमें जो ब्लड का कलर है वो क्या है, डार्क रेड. तो बच्चों ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि जो ब्राइट कलर की जो बोतल है, जिसमें ब्राइट कलर का आपका जो ब्लड है, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन गैस मिक्स है. और जो बोतल क्या है, आपकी डार्क कलर की दिख रही है, डार्क रेड कलर की दिख रही है, उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड. और बेटा जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स होती है उसे कहा जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. और जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है उसे कहा जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. और बच्चों आपने अपनी बुक्स में देखा होगा, ठीक है, कि जो ये वाला जो ब्लड है, जो ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होता है, जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, उसे हम रेड कलर की जो लाइन होती है उससे डिनोट करते हैं. और जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे ब्लू कलर से डिनोट करते हैं. और कई बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन भी आता है कि कहीं जो डीऑक्सीजनेटेड जो हमारा ब्लड है वो कहीं ब्लू तो नहीं होता. बच्चों ये ब्लू कलर का नहीं होता है, ठीक है, केवल डायग्राम में आपकी क्लियरिटी रहे इसीलिए, ठीक है, इसको ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको रेड कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है. चलिए देखते हैं ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में कैसे होता है. पहले मैं आप लोगों को जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको फ्लो चार्ट के थ्रू समझाऊंगी. उसके बाद मैं आपको इसे जो डायरेक्ट हार्ट है उसके थ्रू बताऊंगी. तो फ्लो चार्ट से आपको थोड़ा सा पहले समझने में थोड़ा सा आसानी रहेगी और तब आपको समझ में आएगा कि जो मैंने बताया है हार्ट में क्या क्या प्रोसेस हो रही है वो उसमें आपको ढंग से समझ में आएगा. चलते हैं. तो यहाँ पे लंग्स, ठीक है, और यहाँ पे जो बड़ा सा ये स्क्वायर है ये आपका हार्ट है. और उसके बाद बॉडी ऑर्गन, तीन चीजों को हमने क्या कर रखा है यहाँ पे बता रखा है. ओके, तो यहाँ पे जो हमारा हार्ट है, हार्ट को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है. तो जो पार्ट हार्ट को दो पार्ट में लेफ्ट और राइट में जो डिवाइड कर रहा है उसे कहा जाता है सेप्टम. बेटे जो ये सेप्टम होता है ये हार्ट को क्या करता है, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट और राइट में. इसके बाद हम क्या करते हैं, आपको पता है कि हार्ट के चार चैम्बर होते हैं, हम क्या करेंगे हार्ट को चार चैम्बर में डिवाइड कर देते हैं. और बच्चों हम इनको नाम दे देते हैं राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल, वैसे ही लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल. और बच्चों ये राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल जो है इनके बीच में क्या है, एक वॉल्व है, ठीक है, जो ब्लड को सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करवाती है. ब्लड जो है वो बैक फ्लो नहीं करता. ओके, वैसे ही लेफ्ट आर्टियम और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें भी क्या है, एक वॉल्व है. वॉल्व एक टाइप की और होती है लेकिन उसे भी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है. इसके बाद मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ लंग्स को, ठीक है. सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, लंग्स का भी अपना एक रोल है. ओके, और बच्चों कहीं आप ये मत सोच लेना कि जो हमारे जो लंग्स होते हैं वो हार्ट के ऊपर होते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक हो गया. केवल हम डायग्राम में इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए. आपको पता ही है कि जो आपका हार्ट होता है वो दोनों लंग्स के बीच में होता है और थोड़ा सा लेफ्ट में होता है. ओके, और इसके अलावा बेटा हमारे जो बॉडी के और पार्ट भी हैं, आपका ब्रेन हो गया, आपके इंटेस्टाइन हो गए, आपके और भी बॉडी पार्ट, तो उनको हम क्या कर रहे हैं, ये बॉडी ऑर्गन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब देखिए स्टूडेंट, जो ब्लड का फ्लो हमारी बॉडी में है वो कैसे हो रहा है, ठीक है, लेट मी टेल यू. चलिए सबसे पहले जो ब्लड है वो लंग्स से होता हुआ जाता है कहाँ, लेफ्ट आर्टियम में. और किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन. तो इन पल्मोनरी वेन में कैसा ब्लड होता है, वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन होता है. और इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बेटा मैं रेड लाइन से शो कर रही हूँ. इसके बाद ब्लड एंटर करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो कहाँ जा रहा है, आपके बॉडी ऑर्गन्स में. और लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी ऑर्गन तक ये ब्लड को कौन ले जा रहा है, उसे ले जा रही है मेन आर्टरी, जिसे कहा जाता है ऑर्टा. तो बच्चों जब ये ब्लड, ठीक है, जब ये लेफ्ट
जो आपका वेंट्रिकल है वहाँ से होता हुआ जब ये ब्लड कहाँ है आपके बॉडी ऑर्गन में आया और बॉडी ऑर्गन में आपका एरोबिक रिस्पायरेशन हुआ, ठीक है। तो एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या हुआ, वहाँ पे जो ऑक्सीजन का यूज़ हुआ और वहाँ पे जो है एनर्जी प्रोड्यूस हुई, तो उसमें क्या हुआ था, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो थी गैस वो निकली थी और वो क्या हो गई, वो हमारा जो ब्लड था उसके साथ मिक्स हो गई, ठीक है। अब जो ब्लड जो हमारे जो बॉडी ऑर्गन से जो बाहर आ रहा है वो कैसा ब्लड है, वो है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें क्या है कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है। अब इस ब्लड को हमारे राइट आर्टियम तक ले जाने का जो काम करेगा वो करेगी मेन वेन जिसे कहा जाता है वेना कावा। ये क्या करती है, हमारे बॉडी ऑर्गन से इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट आर्टियम में लाती है। तो बेटा अब ये क्या होगा, राइट आर्टियम से होके राइट वेंट्रिकल में जाएगा ये ब्लड, ठीक है। फिर राइट वेंट्रिकल से होता हुआ कहाँ जाएगा, ये आपके लंग्स में एंटर करेगा। कौन सा ब्लड, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो स्टूडेंट अब क्या होगा, जो ये ब्लड जो आया था लंग्स तक, ठीक है, तो लंग्स में क्या होगा, जो ये ब्लड होगा, ठीक है, ये एल्वोलाई में डाल दिया जाता है, एल्वोलाई में क्या होता है, ये ब्लड डाल दिया जाता है और वहाँ से क्या होता है, वहाँ पे जब ये ब्लड डाला जाता है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ पे ब्लड क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ पे छोड़ देता है और वहाँ से क्या ले लेता है, वहाँ से ऑक्सीजन ले लेता है। तो बेटा अब ब्लड जो है वो अब लंग से जब निकलेगा तो वो कैसा होगा, वो आपका ऑक्सीजनेटेड होगा, क्योंकि जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड था, वो क्या करा, हमारे ब्लड ने क्या करा, जो कार्बन डाइऑक्साइड था उसको कहाँ, लंग्स में ही छोड़ दिया और वहाँ से क्या कर दिया, ऑक्सीजन वाला ब्लड ले लिया और ऑक्सीजन मतलब वहाँ से ऑक्सीजन ले ली, ठीक है। और जब उसने ऑक्सीजन ले ली तो वो ब्लड कैसा बन गया, अब ऑक्सीजनेटेड बन गया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके कहाँ ब्लड को पोर करेगा, ये करेगा आपके लेफ्ट पोर्शन में, जो हार्ट का जो लेफ्ट पोर्शन है, तो सबसे पहले लेफ्ट आर्टियम में और फिर वैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर ये साइकिल ऐसे ही चलते रहेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से जो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो होता है कि कैसे ब्लड पहले जो आपका लेफ्ट आर्टियम में आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से वो कहाँ जा रहा है, आपके ब्लड ऑर्गन्स में जाता है और वो कैसा ब्लड होता है, वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपकी बॉडी ऑर्गन्स को दे दिया जाता है, फिर हमारी बॉडी ऑर्गन्स में क्या होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन होता है जहाँ पे हमारी ऑक्सीजन का यूज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, एक वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में निकलती है। अब हमारा ब्लड क्या करता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को लेकर कहाँ जाता है, आपके हार्ट के राइट पोर्शन में। तो सबसे पहले ये राइट आर्टियम में जाएगा वहाँ से और फिर राइट आर्टियम से ये राइट वेंट्रिकल में और फिर जो ये ब्लड होता है ये राइट वेंट्रिकल से होते हुए कहाँ पहुँच जाता है, आपका लंग्स में। तो लंग्स में क्या होता है, लंग्स में फिर ये ब्लड क्या होता है, चेंज हो जाता है। ये ब्लड जो होता है ये अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड थी ये उसको वहाँ छोड़ देती है और वहाँ से क्या करती है, ऑक्सीजन ले लेती है। अब जो ब्लड है जब ये लंग से बाहर निकलेगा तो ये क्या है, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब इसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ठीक है। और फिर ये ऑक्सीजन वाला ब्लड फिर से कहाँ जाएगा, आपके जो लेफ्ट पोर्शन है हार्ट के वहाँ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये जो ब्लड सर्कुलेशन की जो ये साइकिल है ये क्या होती रहती है, कॉन्टिन्यू चलती रहती है। तो स्टूडेंट आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारा जो हार्ट है वो काम करता है। तो अब है हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है डबल सर्कुलेशन। स्टूडेंट डबल सर्कुलेशन का मतलब जब ब्लड, ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल में हमारे हार्ट में दो बार आता है, ठीक है, तो उसे कहा जाता है डबल सर्कुलेशन। मतलब जब आपका ब्लड आपके हार्ट में दो बार आए तो उसे डबल सर्कुलेशन कहा जाता है, लेकिन बॉडी में सप्लाई जो ब्लड की होगी वो एक ही बार होगी। मीन्स आपकी बॉडी में जो ब्लड की सप्लाई हो रही है वो एक बार हो रही है, लेकिन हार्ट में कितने बार हो रही है, दो बार हो रही है। स्टूडेंट डबल सर्कुलेशन दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन और दूसरा होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पहला है आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन, ध्यान से समझिए बेटा, जब ब्लड आपके हार्ट से, ठीक है, आपके बॉडी पार्ट में जा रहा है और आपकी बॉडी पार्ट से दोबारा आपके हार्ट में ब्लड वापस आ रहा है तो उस सर्कुलेशन को बोला जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिंपल सी बात स्टूडेंट, जब सर्कुलेशन में आपकी बॉडी इन्वॉल्व हो,
तो वो सर्कुलेशन आपका सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कहलाता है। ठीक है, देखिए आपका जो ब्लड था वो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से आपके बॉडी ऑर्गन में गया। कैसा ब्लड था उस समय? वो था आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और आपकी बॉडी ऑर्गन से दोबारा आपके हार्ट में आया। तो जब वो दोबारा आपके हार्ट में आया तो वो कैसा था? वो था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इस टाइप का जो सर्कुलेशन था उसे कहा जाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सेकंड है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। जब ब्लड आपके हार्ट से, ठीक है, आपके लंग्स में जा रहा है, ठीक है, और फिर लंग से दोबारा आपके हार्ट में वापस आ रहा है, तो इस टाइप का जो सर्कुलेशन होता है उसे कहा जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसमें भी एक सिंपल सी बात है, मतलब जब आपके लंग्स, ठीक है, सर्कुलेशन में इन्वॉल्व हो, तो उस टाइप का जो सर्कुलेशन होता है उसे कहा जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो देख लीजिए आपके हार्ट से जो ब्लड आपके लंग्स में गया वो कैसा ब्लड था? वो था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जहाँ पे ब्लड का एक्सचेंज, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा आपके लंग्स में एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है, और वहां से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फिर से कहाँ एंटर करेगा? आपके हार्ट में। तो ये जो था, ये था आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन।